नमस्कार, खबरें इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। मैं सरबजीत कौर ते हुण सभने शा पहले पेश ने खास खास खबरां। गवर्नर होरें रियासता दी सुरक्षा स्थिति दा लैता जायजा, पंचायती चुनाव लई कीती जा करदी तैयारियां पर भी बड़े अधिकारियों कन्ने कीती चर्चा। रियासता दे विकास लई फंड्स की नहीं बनन दिता जाग रुकावट, आख्या चीफ सैकटरी होरें ते टिक्के दा त्यौहार पूरे जम्मू च मनाया गया खुशी ते उत्साह कन्ने। इहियां खास खास खबरां ते हुण खबरां तफसील कन्ने। गवर्नर एसपी मलिक होरें अज्ज राजभवन जम्मू च इक बैठक लोआई ऐ, रियासता दी सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैता। इस दौरान कानून व्यवस्था दी स्थिति दा जायजा लैंदे होई गवर्नर होरें किश्तवाड़ जिले च दौनें सियासी नेताएं दे हत्या परैंत बने दे हालात कन्नै निबड़ने लई सुरक्षाबलें ते जिला प्रशासन दे जतनें दी सराहना कीती। एदे इलावा बैठक च पंचायती चुनाएं गी शांतिपूर्ण व्यवस्था कन्नै संपन्न करोआए जाने दे प्रबंधें दा भी गवर्नर होरें जायजा लैता। बैठक च जेड़े बड़े अधिकारी शामल होए उन्दे च गवर्नर हुंदे सलाहकार विजय कुमार, सेना दी उत्तरी कमान दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, रियासती चीफ सैक्रेटरी बी वी आर सुब्रमण्यम, रियासती पुलिस दे डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह, जम्मू दे डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ते होर दुए फौजी ते नागरिक प्रशासन दे अधिकारी शामल न। रियासता दे चीफ सैक्रेटरी बी वी आर सुब्रमण्यम होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर दे विकास च फंड दी कमी गी कदें भी रुकावट नहीं बनन दित्ता जाग। जम्मू च अज्ज केंद्री सरकार दे अधिकारियों कन्नै लगी दी इक बैठक दौरान प्रधानमंत्री विकास पैकेज दी अमलावरी दा जायजा लैंदे होई श्री सुब्रमण्यम होरें आखेआ जे इस सांझी बैठक न छड़े विकास प्रोजेक्टें दी अमलावरी च आवाजाही रुकावटें गी दूर करोग, सगुआं मौके पर गै फैसले लेइयै उंदे कम्मै दी रफ्तार भी तेज करोग। एह चेता करोआने आली गल्ल ऐ जे इस बरे 23 अक्तूबर गी केंद्री गृह मंत्री हुंदे श्रीनगर दौरे दौरान लैते गेदे फैसले गी अग्गे बधाने लई केंद्री अधिकारियें दा इक दल जम्मू आए दा ऐ। एह्दे च केंद्री गृह मंत्रालय दे एडिशनल सैक्रेटरी ज्ञानेश कुमार, केंद्री स्कूली शिक्षा मैह्कमे दे ज्वाइंट सैक्रेटरी मनीष गर्ग, राष्ट्रीय कौशल विकास कारपोरेशन दे मैनेजिंग डायरेक्टर ते मुक्ख कार्यकारी अधिकारी मनीष कुमार ते सूचना प्रसारण मैह्कमे दी ज्वाइंट सैक्रेटरी अंजू निगम शामिल न। जेड़े रियासती अधिकारी इस बैठक च मौजूद हे उंदे च मुक्ख तौर पर गृह मंत्रालय दे प्रिंसिपल सैक्रेटरी आर के गोयल, पीडब्ल्यूडी मैह्कमे दे कमिश्नर सैक्रेटरी खुर्शीद अहमद शाह ते जम्मू दे डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा होर शामल न। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय दियां ज्वाइंट सैक्रेटरी अंजू निगम होरें अज्ज जम्मू च इक मीटिंग दौरान दूरदर्शन, आकाशवाणी ते सूचना ते जनसंपर्क विभाग दे कामकाज दा जायजा लैता। मीटिंग च दूरदर्शन समाचार दा इक होर बुलेटिन संझा 7 बजे ते रातीं 10:30 बजे बश्कार शुरू करने, समाचार बुलेटिन दी अवधि बधाने ते डीडी काश्मीर पर लाइव खेड प्रसारण सने कई मामले पर चर्चा कीती गई। जम्मू कश्मीर दे आकाशवाणी ते दूरदर्शन केंद्र दे बुनियादी ढांचे च सुधार करने ते नमें कर्मचारियों की भर्ती सने कई होर मामले पर भी सोच विचार कीता गया। अंजू निगम होरें रियासती सरकार दे विभागें गी केंद्रीय मीडिया एजेंसियों कन्नै तालमेल रखने लई आखेआ तां जे लोकें दी समस्याएं गी उजागर कीता जाई सकै। उन्हें सरबंधित अधिकारियों गी निर्देश दित्ते जे एयर कॉलोनी भद्रवाह गी मुकामी अधिकारियों थमां खाली करान। मीटिंग च महानिदेशक आकाशवाणी संजीव दोसाज, दूरदर्शन केंद्र जम्मू दे प्रोग्राम हैड विनोद भान, आकाशवाणी जम्मू क्षेत्रीय समाचार एकांश दे हैड आर के रैना ते कई होर दुए अधिकारियें हिस्सा लैता। डोगरी संस्था जम्मू ने सरकार दे जम्मू दूरदर्शन दे कार्यक्रमें दे समय गी घटाने दे दस्से जाकर दे फैसले दी नुक्ताचीनी कीती है। डोगरी संस्था दी एग्जैक्टिव कमेटी दी बैठक च आखेआ गया जे जम्मू दूरदर्शन ने पाकिस्तानी मीडिया दे दुष्प्रचार गी रोकने च ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। संस्था ने मांग कीती है जे सरकार इस तथाकथित फैसले गी वापस लेई लै। रियासती प्रशासन आसिया लोकें दी समस्याएं दी मौके पर जानकारी हासिल करने ते उंदे नबेड़े लई कीते जाकरदे जतनें तहत अज्ज गवर्नर हुंदे सलाहकार बी बी व्यास होरें जम्मू च जन शिकायत निवारण कार्यक्रम दा आयोजन कीता। इस दौरान तकरीबन 27 प्रतिनिधिमंडलें ते 350 कोला मते लोकें उंदे कन्नै मलाटी करियै अपनी समस्याएं गी उंदे सामने रखेआ। इंदे च खोड़, पाटा पलोड़ा, जम्मू ते जगती दे इलावा कारगिल स्पोर्ट्स एसोसिएशन दे प्रतिनिधिमंडल शामल है। इसे चाली जम्मू कश्मीर प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन ते क्रिश्चियन यूनाइटेड फेडरेशन दे प्रतिनिधिमंडलें भी श्री व्यास हुंदे कन्नै मलाटी करियै अपनी अपनी मुश्कलें ते मंगें गी उंदे सामने रखेआ। सलाहकार होरें सभनें दी गल्लें गी ध्यान कन्नै सुनेआ ते मौके पर मौजूद सरबंधित अधिकारियों गी इस बारे नेकां हिदायतां भी जारी कीतियां। पूरे मुल्खा च अज्ज भैन भ्रा दे सुच्चे हिरखा दा प्रतीक भैया दूज दा त्यौहार बड़े उत्साह ते खुशी कन्नै मनाया गया। इस मौके उपर भैने अपने भ्राएं दी लम्मी ते खुशहाल जिंदगी दी कामना करदे होई उंदा तिलक कीता। एह त्यौहार मुल्खा दे बक्ख बक्ख हिस्सें च बक्ख बक्ख नां कन्नै मनाया जांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें इस मौके उपर लोकें गी मुबारकबाद दित्ती। ताईं जम्मू च बी त्यौहार बड़ी खुशी ते उत्साह कन्नै मनाया गया। डोगरी भाषा च भाई दूज गी टिक्के दा त्यौहार भी आखदे न। दरअसल इस मौके अपने भ्राएं दी लम्मी ते खुशहाल आयु दी कामना करदे होई भैनां अपने भ्राएं दे मत्थे उप्पर टिक्का लांदियां न।
जम्मू दे अनाथ आश्रम च रोने आले बच्चे भी इस मौके उप्पर एह त्यौहार पूरे उत्साह कन्नै मनाया ते उत्थे मौजूद कुड़ियें जागतें दे मत्थे पर टिक्के लाइए उंदी लम्मी बरेस दी दुआ कीती। यहाँ काम करती हूँ इनके लिए और ये बच्चे बहुत ही खुशी से पर्व मनाते हैं। हर कोई त्यौहार बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। बाहर से लोग जो आते हैं इनको बड़ा मोटिवेट करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये इतने खुश मकी वो है कि बता नहीं सकते। हम बच्चे इतना उत्साहित हैं कि हम घर में हैं, इन्हें नहीं लगता कि हम बाल आश्रम में हैं। तो उधमपुर भी टिक्के का त्यौहार बड़ी खुशी से जोश करने मनाया गया। इस मौके पर भैने अपने भ्राएं की लम्मी बरेस की कामना करते हुए मत्थे उपर टिक्के लाए ते भ्राएं भैने की भांति भांति दे तोहफे भी भेंट किए। इस दिन सुबह से हम बहनें तैयार होकर अपने भाइयों का इंतज़ार करती हैं और हम उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं, और हमें भी बहुत सारे उपहार मिलते हैं और हम भी उन्हें इस मौके पर त्यौहार उपहार देते हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं तिलक लगा के। तो वहीं पुंछ च भी भाई दूज का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश से श्रद्धा कन्नै मनाया गया। दियाली दे त्रिये दिन हर बने मनाया जाने आला टिक्के दा त्यौहार भैने भ्राएं दे पवित्र रिश्ते दा त्यौहार है। देश दे होर नेई सियांगर गए पुंछ च भी भैने भ्राएं गी टिक्का लाया ते उंदी लम्मी आयु दी प्रार्थना कीती। इयां गै रजौरी च भी टिक्के दा त्यौहार मनाया गया। भैने अपने भ्राएं दे मत्थे उप्पर टिक्का लाया ते उंदी दीर्घायु ते खुशहाली दी कामना कीती। इंदे चा किश ने आखिया जे भैने भ्राएं दे पवित्र रिश्ते दा जिन्ना गै सम्मान भारतीय सभ्यता च है इन्ना कुते होर नहीं है ते इह त्यौहार महिलाएं ते भारतीय परिवारें लई फखर आला हुंदा है। जो भी बहन है अपने भाई को इस दिन पे तिलक लगाएगी, भाई दूज मनाएगी, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आज मैंने अपने भाई को तिलक लगाया है और ये त्यौहार हर साल होता है। ये रक्षाबंधन और भाई दूज, ये दोनों जो त्यौहार हैं वो भाई बहनों को जोड़ते हैं। पंचायती चुनाव के सिलसिले च पुंछ जिले च मेदवारें आसेआ अपनी नामजदगी के कागज पत्र भरने का काम तेजी कन्नै जारी है। जिले के मते सारे हिस्से पाकिस्तान कन्नै लगदी कब्जा लाइन के कोल बसे दे न, जेड़े नेकां बारी पाकिस्तानी गोलीबारी कारण प्रभावित हुंदे न। इहदे बावजूद भी लोग बिजन कुसै डर त्राह दे चुनाव प्रचार च बधी चढ़ी हिस्सा लै करदे न। हमारे पास एक जरिया है कि हम अपने पंच को, अपने सरपंच को जो है अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो आस्ता आस्ता आगे उस प्रोसेस को बढ़ाएंगे ताकि हमारी आवाज़ जो है ये कहीं तक पहुंच सके। क्योंकि ये बॉर्डर इलाका है, पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे हर वक्त फायरिंग की जद में लोग रहते हैं, यहाँ पे तरह तरह के मसाइल रहते हैं। बॉर्डर एरिया में जो है यहाँ पे अक्सर जो है शेलिंग होती रहती है, फायरिंग भी होती है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है वो बैंकर बने ताकि शेल्टर जो है इन लोगों को मिल सके बैंकरों में और ये बच सकें। मेरे पास कुल 4 पंचायतें हैं। अब तक जो है सरपंच 13 फील्ड में रह गए हैं विदड्रॉल के बाद, और जो पंचीज हैं वो 68 रह गए हैं। तो कैसा रहा लोगों का रुझान? बहुत अच्छा रुझान रहा, लोगों में बड़ा उत्साह था, बड़ी जोश था, बड़ा वलवला था। बॉर्डर एरिया का होने के नाते भी लोगों में बड़ा जज्बा था इसमें हिस्सा लेने के लिए पंचायत इलेक्शन में।
तुआई रामबन दे बनिहाल ब्लाक च पंचायती चुनाएं दे दुए मरहले तहत होने आले चुनाएं दे सिलसिले च 24 सरपंची हलकें लई 71 उम्मीदवारें अपनी नामजदगी दे कागज पत्र भरे न। इसे 40 पंचें दे 174 हलकें लई 265 उम्मीदवारें कागज पत्र दाखिल कराए न। उहां ब्लाक च 11 पंचायती हलके ऐसे न जिंदे लई कुसे भी उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी दे कागज पत्र नहीं भरे हैं। इस सभी हलके महिलाएं लई आरक्षित न ते पिछेत्रा इलाका होने कारण कुसे भी महिला ने उम्मीदवारी दे कागज पत्र नहीं भरे न। नशीले पदार्थों के नियंत्रण संबंधी महकमे ने कश्मीर थमां आवा करदे एक ट्रक चा तकरीबन 50 किलो हेरोइन जब्त की। इस बारे कल पत्रकारें की जानकारी देंदे हुए महकमे के जम्मू जोन के डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार होरें दस्सिया जे ट्रक जम्मू टोल प्लाजा कोल इस महीने की 5 तरीक की चैकिंग दौरान रोकया गया है ते 6 तरीक एदी तलाशी लैने बाद एदे थमां 50 किलो थमां मती हेरोइन बरामद हुई। हेरोइन सेऊएं की पेटियां छपैली गई थी। We have recovered 50 kg heroin. Came it is our office biggest further seizure, third biggest seizure. In Monday we have unloaded the Jammu. While unloading the truck, we have come from three apple Kashmir Valley suspected boxes. And this time to Delhi. We have recovered 50 kg. This time is this time biggest biggest was this time to seizure Jalandhar, third biggest seizure of the year by NCB Jammu. डोडा जिले च अज एक सड़क हादसे च एक जने की मौत हो गई ते दो मुसाफिर जख्मी हो गए। मारे गए मुसाफिर की पंछान रियासी पुलिस के SPO इरफान अहमद के तौर पर की गई है। यह हादसा उसे पेश आया जिसे एक मुसाफिर गड्डी च सवार ए लोग जिले के पपोर ग्रां थमां कट थारों पर आवा करते हैं ते रस्ते च गड्डी मुख्य सड़क पर रुलके एक डूंगे नाले च जाई डिगी पई। प्रधानमंत्री हुंदे कश्मीरी विस्थापितें लई विशेष रोजगार पैकेज तहत जिन्हें कश्मीरी पंडित विस्थापित उम्मीदवारें 6 महीने पहले नौकरी लई टेस्ट ते इंटरव्यू दिते हे उन्हें मांग की है जे लिस्ट तौले शा तौले जारी की जा। उन्हें राज्यपाल हुंदे थमां मांग की जो इस मामले च दखल देन। इन्हें विस्थापित उम्मीदवारें जम्मू च अज प्रदर्शन भी कीता। तो हमारा यही डिमांड है जो 412 के लिए सिलेक्शन लिस्ट है वो विदाउट वेटिंग लिस्ट सिस्टम से उसको रिलीज किया जाए। और हमारी अपील है गवर्नर साहब से अगर हमारा ये आंदोलन जो है अगर हमारी डिमांड दो तीन दिनों के अंदर पूरी नहीं की गई हम यहाँ रेल लोगों को आंदोलन करेंगे, हम सड़कें बंद करेंगे, हम सड़कों पर उतराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आखिर जी छत्तीसगढ़ के विकास लिए सरकार 24 घंटे काम करा कर दी है। श्री मोदी और छत्तीसगढ़ की जगदलपुर थारा पर एक चुनावी रैली की संबोधित करा कर दे। उन्हें भी आखिर उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर यकीन रख दी है। लेकिन उन सरकारों की सोच यही रहती थी मेरा तेरा अपना पराया मेरी जात वाला मेरी बिरादरी वाला मेरे इलाके वाला मेरा रिश्तेदार मेरा परिवार सारा उनका कारोबार इसी के आसपास चलता था। हमने आकर के स्थितियों को बदल दिया। दलित पीड़ित शोषित वंचित आदिवासी में भेदभाव नहीं, पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं, युवा और बुजुर्ग में भेदभाव नहीं। इन भेदभाव की दीवारों को खत्म करके एक ही मंत्र लेकर के हम चले हैं, सबका साथ सबका विकास। खबरें इस बुलेटिन के बाद सिन्हा के दी इजाजत। नमस्कार।